पुत्रासो चित्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिगतायुर्वन्तो अधितिर्द्योरधितिरन्तरिक्षमधितिर्माता स्वपिता स्वपुत्रः विश्वे देवाय अधितिः पञ्चजनाधितिर्यातमधितिर्जनितवं मा द्योः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयन् कुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः वासुभ्यः सुशान्तिर्भवतु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रदाकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः ध्यानार्थे यच्छतं पुष्पं समर्पयामि गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मन्निधये वसिष्ठाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ध्यानार्थे यच्छतं पुष्पं समर्पयामि विप्रा प्रसादाद्धरणीधरोऽहं विप्रा प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रा प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रा प्रसादात् मम रामनामं पुष्पं पुष्पमाल्यां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहता मदधूपं वनस्पतिरसद्भूतो गण्डाद्यो गण्ड उत्तमः अग्र्या सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतामों चन्द्रमा मनसो जातेक्षोः सूर्यौ अजायत श्रोत्राद्वायशप्राणशमुखादग्निरजायत धूपं दीपं माघ्रापयामि दर्शयामि ॐ तदीयवस्तगोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाणां सोमुखो वृत्त्वा प्रसीद परमेश्वर निवेदितं निवेदयामि ततारतिज्ञं कुर्यात्। सभी लोग खड़े होकर भागवत भगवान की परम मंगलमय आरती करें। ॐ हरिः अम्मा इदगुङ्गभिः व्रजननं मे अस्तु दशबीळगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजसने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नां मे पयोरेतु असमासु धत्ता अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्री राधा अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगल चार कियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगल चार कियो यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की
यशोदा गोद की लैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण बलदाऊ के भैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण बलदाऊ के भैया। बन 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 जन चरैया के अधर धर मुरली बजैया के, बन बन देव चरैया के अधर धर मुरली बजैया के, आरती कृष्ण कन्हैया के अधर धर मुरली बजैया के, आरती कृष्ण कन्हैया के अधर धर मुरली बजैया के। भक्तन के रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तन के रखवारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तन के रखवारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तन के रखवारे। यमुना तट यमुना तट यमुना तट रास रचैया के अधर मुरली बजैया के, जमुना तट रास रचैया के अधर धर मुरली बजैया के, आरती कृष्ण कन्हैया के अधर धर मुरली बजैया के, आरती कृष्ण कन्हैया के अधर धर मुरली बजैया के। कर्पूर गौरम करुणावतारम चंडालकारम मुरलीधरारम सदा वसंतम हृदयारिणी भवानी सहितं नमामि, तमेव माता चित्रा तमेव तमेव ब्रह्मो जगता तमेव तमेव विद्या जगदं तमेव तमेव सर्वं तमेव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण
भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। समस्त आवाही देवताओं की जय। जय जय श्री राधेश्याम। सभी अपने आसन पर विराजमान हो जाएं और हमारे मुख्य यजमान श्री मनीष गुरु जी आज के व्यासपीठ से आशीर्वाद लेने वालों की लिस्ट हमारे इंद्रजीत भैया आर्गन वादक जी को दे दीजिए और इसके बाद आगे का कार्य प्रारंभ हो। श्री गणेश श्री मन्नारायणाय नमः धेयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चन तं शरण्यं भृत्यार्तिः प्रणतपान भवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द श्री सीतानाथ समारम रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कान श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रिकुभान सुते देवी प्रणमामि हरि। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयं देवी तत्रारभ्यनन्दस्य विजय सर्वसिद्धिनाम हरि निवास सात गुणे नमा कृतं परम प्रातरकुलेश्वर अकारण करुण वंदन श्री श्रीविन्नत पीतामणधारी भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार को गुरु अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज को गुरु गोपाल जी कृपा का सम्मान करें। ग्राम देवता वास देवता स्थान देवता भवंत पुरी प्रसाचार्य चंद्राचार्य सभी को गुरु गोपाल जी कृपा का सम्मान करें। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों को प्रणाम करें।
अनंत बलवंत परम संत श्रीमंत राज महाराज जी कृपा का सिर प्रदान करें। मां हिंगलाज होने में घटना समत अला रही जी चरणों को प्रणाम। मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करें। हमारे परम यशस्वी आचार्य श्री आशीष जी महाराज को प्रसाद हुआ। मंच पे उपस्थित हमारे कुशल संचालक, कुशल आयोजक, भजन सम्राट श्री इंजीत उपाध्याय जी को प्रसाद हुआ। मंच पे उपस्थित हमारे परम यशस्वी तबला वादक श्री भोला जी को प्रसाद हुआ। मंच पे उपस्थित हमारे श्री नागोलाल जी कुटकुट साधुवाद, वायलिन पे संगत कर रहे हैं। मंच पे उपस्थित हमारे संदीप जी कुटकुट साधुवाद धन्यवाद। कथा में तन मन धन से सहयोग दे करके इस कथा को अच्छी व्यवस्था में लेकर के चल रहे ओम प्रकाश सरोनियार जी के पूरी परिवारों को कुटकुट साधुवाद। हमारे इस कथा को व्यवस्थित कर रहे श्री शंभुनाथ त्रिपाठी जी, श्री विकास सिंह जी कुटकुट साधुवाद। कथा सुनने आ रहे पिता तुल्य बुजुर्गों को आलोकानंद का कुटकुट साधुवाद, प्रणाम आशीर्वाद। श्रद्धामयी माता बहन बेटियों को कुटकुट साधुवाद आशीर्वाद। प्यारे बच्चों को प्यारा भरा आशीर्वाद। और जितने लोग कथा में नहीं आ पा रहे हैं, ठाकुर जी उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। संपूर्ण राष्ट्र के लोग आनंदित हों, आह्लादित हों, प्रभु की कृपा प्रसाद प्राप्त करें और भगवान की पावन चरणों में अपने मन को लगा करके अपना जीवन धन्य बनावें। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व में मैं निवेदन करूंगा, अगर लिस्ट तैयार हो गई है तो वह हमारे इंद्रजीत जी को दे दिया जाए और अगर नहीं हुआ है तो फिर आगे कथा प्रारंभ करें। आइए ठाकुर जी से अपने हृदय की भावना को कहेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। भाव से कही हरि बोल। प्रेम से ठाकुर जी से कहेंगे, ठाकुर जी हम आपके शरण में, हम पर अपनी कृपा बरसाएं और सदैव अपने चरणों से लगाए रखें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। श्री हरि। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय, ध्यानी भी तुम में लय है। और प्रभु हम अज्ञानी चित चंचल, हम अज्ञानी चित चंचल, निस्तार करो तो जाने। हम अज्ञानी चित चंचल, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हे हरि। गाइए श्री राधे।
प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। लेकिन प्रभु हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, बोली राधा वल्लभ सरकार की। हे हरि, से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको ध्याएं। मुख से क्या तुम्हें सुनाए, मुख से हम तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। मुख से हम तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुम्हें बनाए। अपराध अपराध किए हैं अगणित, ओ ध्यान करो तो जाने। अपराध किए हैं अगणित, तो ध्यान करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। राधे हरिबो, पल विनाश का डर है। जीवन नैया जल जल है, पल पल विनाश का भय है। जीवन नैया जल जल है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जल जल है, पल पल विनाश का भय है। और मेरे साथ सभी बोलेंगे, ऐसे भी एक पतित को, ऐसे भी एक पतित को अब पार करो तो जाने। ऐसे भी एक पतित को अब पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने।
प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु माताओं, आज कथा का चतुर्थ दिवस है और आज की जो कथा है यह है भगवान के प्रति निष्ठा हमारे जीवन में कैसे आए। आज की कथा का शीर्षक देखिए, हम दुनिया को प्रसन्न करने के सारे उपाय करते हैं, कोई हमसे रूठ ना जाए, भाई बंधु इष्ट मित्र परिवार। लेकिन एक बात आप सभी बताइए, दुनिया रूठ जाए तो ये पक्की बात है, जब आपका अच्छा दिन आएगा तो दुनिया वाले फिर मान जाएंगे। लेकिन अगर गोविंद रूठ जाए फिर दुनिया के ऐसे कोई साधन नहीं है कि जिससे आप उनको मना सकते हो। हाँ जी कि ना जी, इस नाते प्रार्थना नित्य होनी चाहिए कि जग रूठे तो रूठे, मेरा श्याम ना रूठे, जीवों में जब तक श्याम तेरा दरबार ना छूटे। दुनिया की आदत है रूठ जाने की। आप कितना भी अच्छा काम करोगे तो ये पक्की बात है कि दुनिया रूठ जाएगी। लेकिन अगर ईश्वर आपका नहीं रूठा तो समझ लो कि सब एक ना एक दिन वहीं आएंगे जहां आप बैठे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान, आपने देखा होगा कि घड़ी की सुई जब चलती है तो एक से चल करके कहां पहुंचती है, बारह, और बारह से पुणे लौटती है, कहां आती है, एक पर आती है। तो ऐसे ही ये संसार है, अगर आप घटते क्रम में रहेंगे तो आपका साथ छोड़ने वालों की कमी नहीं है, और कदाचित कृपा हो गई ठाकुर जी की और आप बढ़ते क्रम में आ गए तो वही जो लोग आपसे दूर गए हैं ना, वही आपके साथ आने के लिए लालायित रहेंगे। इसलिए दुनिया का रूठे रूठे गोविंद ना रूठे। कल मैंने आपको कथा में श्रवण कराया था कपिल देवहूति संवाद, महाराज मनोजी के दूसरी जो बिटिया है जिनका नाम है आकुति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। तो इसमें से आकुति और रुचि प्रजापति के यहां साक्षात यज्ञनारायण भगवान पधारे और प्रसूति के यहां दक्ष प्रजापति से 16 बेटियां, जिसमें से 13 बेटियां धर्म को ब्याही गई, एक बेटी अग्नि को ब्याही गई, एक बेटी पितृ को ब्याही गई और जो सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था सती, वो भगवान भोलेनाथ को ब्याही गई। इस कथा में एक बहुत बड़ा रहस्य ये छुपा है कि सती जी का जब सिर उठा ना तो पूरा संसार सती जी का रूठ गया। पिता के घर गए, आपने देखा होगा कि पूरे समाज में जिसका पति रूठ जाए, जिसका गार्जियन रूठ जाए, उसको सम्मान देने वाला कोई नहीं होता। लोग भी कहते हैं अरे जब ये अपने के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। सती जी गई, बहनें बैठी थी, इतने भाव से कहा आओ आओ बहन, हम तो बड़े भाग से आए हैं, इतना बुलावा गया, इतनी बार निमंत्रण गया, इतनी बार कहा गया, तब मौका निकाल करके आए हैं, आप कितनी अच्छी हो जो बिना निमंत्रण के भी आकर के पहुंच गई। अच्छा बताओ, अगर हम ऐसे कह दें कि उनको तो हमने बुलाया था, उनको तो हमने बुलाया था, लेकिन आप बड़े अच्छे हैं जो आप तो बिना बुलाए भी पहुंच जाते हैं, तो इसको आप अपना सम्मान समझेंगे अपमान। बोलो, ये बाणी नहीं है, ये बाण है जो हृदय को विदीर्ण कर देगा, छिन्न भिन्न कर देगा। सती जी ने कहा कि अरे ये वही बहने हैं जो कभी कहती थी कि बहन तुझे देखने का बड़ा मन होता है, तू आ जाती है तुम्हारा घर आनंदित हलाजित हो जाता है। आज वही बहने जो ऐसी कटु भाषा का प्रयोग कर रही है। तब सती जी को लगा ओहो मेरा सिर उठ गया है ना, तो दुनिया मुझसे प्रसन्न ही कैसे रह सकती। आगे बढ़ रही है, पिता आ रहा था, पिता को देख करके एक बेटी का जो भाव होता है, आपने देखा होगा कि बेटी सबसे ज्यादा अगर किसी को मानती है तो बाप को मानती है। माँ कितना भी सेवा कर दे
लेकिन सबसे ज्यादा अगर बेटी किसी को प्रेम करती है तो अपने बाप को प्रेम करती है। पूरा परिवार सो जाएगा ना, और अगर पिता भोजन नहीं किया है तो बेटी तब तक भोजन नहीं करती है जब तक पिता भोजन ना कर ले। बाप कहीं बाहर चला जाए, एक बार माँ को चिंता हो ना हो, लेकिन बेटी बार बार पूछती है पापा कब आएंगे, कब तक आ जाएंगे, कुछ फोन ना आया था क्या। अगर उसके पास मोबाइल है तो बार बार फोन लगाएगी, कब तक आ जाओगे। कितना सम्मान देती है बेटी के बाप को। और बेटी और बाप का जो रिश्ता होता है प्यारे, आपने देखा होगा कि बेटी के पास तीन बातें, शक्ति, समर्पण और लक्ष्मी होती है। कितने गरीब से गरीब की बेटी अगर है तो आपने देखा होगा कि पिता जब उसका विवाह तय करता है तो उस बेटी के प्रभाव से बाप के अंदर शक्ति आ जाती है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो नंगे पांव चलता है। जब तक बिटिया का विदाई नहीं कर देता तब तक उसके पास लगता है कि महाराज कितने चौनप्रास एक साथ इसने खा लिए हो, इतनी ताकत आ गई, बोली सच्चिदानंद भगवान। लेकिन जैसे बिटिया विदा होती है ना, अब लोग कहते हैं कि ये इनका हिसाब कर दो, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनसे मिल लो। तो वो जानते क्या कहता है, भैया अब आज मैं किसी से नहीं बात कर सकता, आज मैं किसी से नहीं मिल सकता, आज वो चली गई जो सदैव मुझे हंसाती थी, खिलखिलाती थी, मुस्कुराती थी, वो चली गई, शक्ति चला गया मेरा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बेटी का दूसरा भाव है समर्पण। आपने देखा होगा एक बाप अपनी पत्नी से बात करता है, मकान ऐसा है, दुकान है, लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा एजुकेटेड है, थोड़ी ये कमी भी है। तो बेटी एक बार ये नहीं कहती कि वहां मुझे विवाह नहीं करना है, क्यों, क्योंकि उसका एक समर्पण होता, मेरा बाप जो मेरे लिए किए करेगा ना अच्छा ही करेगा, कभी मेरा बाप मेरे लिए बुरा नहीं सोचेगा। वो सच्चिदानंद भगवान समर्पण। और तीसरा शब्द क्या है, बोले लक्ष्मी। आपने देखा होगा एक कितना भी अकिंचन बाप हो लेकिन बिटिया का विवाह तय कर दे तो कहीं ना कहीं से उस बिटिया की विदाई की सारी व्यवस्था उसके घर पे आ ही जाती है। वो चाहे थोड़े में चाहे ज्यादा में उसका हाथ पीला करके विदा ही कर देता है। लेकिन प्यारे आज जब बिटिया ने अपने पिताजी को देखा, दोनों हाथ बढ़ा करके दौड़ी, मेरा पिता आ रहा है। दक्ष प्रजापति ने ऐसे मुख मोड़ लिया जैसे सती से कोई संबंध ही ना हो। बोले सच्चिदानंद भगवान, अब सती जी का हृदय एकदम वितीर्ण हो गया। सती जी ने आंख में आंसू भर करके कहा, बहने मुझसे रूठ गई, मुझे बुरा नहीं लगा, मेरी मौसी मौसियां मुझसे रूठ गई, मुझे बुरा नहीं लगा। पिताजी आज अगर मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा है ना, तो सिर्फ ये बुरा लगा है कि आप मुझसे मुख फेर करके जा रहे हैं। क्यों, क्या मैंने ऐसा बिगाड़ दिया जो आप मुझसे इतने रुष्ट हो गए हैं। तो दक्ष ने कहा कि तू शिव की पत्नी है और शिव मेरा दुश्मन है, शिव मेरा शत्रु है, इसलिए जहां शिव का सम्मान नहीं वहां तेरा सम्मान कैसे हो सकता है। अब जिस सती को पिता के प्रति इतना समर्पण था ना, उस सती का हृदय क्रोध से भर गया। सती जी ने कहा, ओ पिता, जिस शिव की तू निंदा कर रहा है ना, उस शिव का मतलब होता है मंगल। शिव माने क्या होता है, मंगल। एक बार शिव का नाम ले लो तो आपकी जीवन में सदैव क्या होगा, मंगल होगा। आपने देखा होगा कि भगवान राम भी अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो शिव को प्रेम करते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आप लोग काशी जाइए, लिखा हुआ है, नाम मंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेत उपदेशु। और शंकर जी तो ऐसे हैं कि इनको भगवान ने आदेश दिया है कि काशी की गली में चींटी चींटा पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी मर जाए, गारंटी आपकी है, वह नरक में नहीं जाना चाहिए, उसे स्वर्ग में ही जाना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। शंकर जी भेष बदल बदल करके काशी की गली में ढूंढते रहते हैं कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि कोई नरक जा जाए।
जैसे कोई मरता है उसके कान में जाकर के कह देते हैं राम, वो मुक्त हो जाता है। और इस शिव को आप अमंगल कह रहे हो पिताजी, ये तो पक्की बात है, जब यहाँ से जाऊंगी तो मेरे भोले कहेंगे आओ आओ पिता के घर से आ रही हो। और पिता के घर से जब बेटी जाती है ना तो अक्सर पति पूछ ही लेता, रे क्या दिया था आपके पिताजी ने, तो क्या मैं ये कह दूंगी कि आपका अपमान मिला मुझे, क्या मैं कह दूंगी कि आपका अपकीर्ति हुआ वहां। पिताजी अब ये शरीर मेरे पति के पास नहीं जाएगा, अब इस शरीर को यहीं मैं नष्ट कर दूंगी, क्योंकि ना आपसे संबंध रखना है और उस पति की योग्य तो रह ही नहीं गई जिस पिता ने बार बार समझाया था कि सती पिता के यहाँ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन मैंने तो सोचा था कि छोटी मोटी गलतियों को इतनी बड़ी बात बनाई जाएगी, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। लेकिन पिताजी आज मैं कहती हूँ कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है और भोलेनाथ जी मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, अब मैं आपके काबिल नहीं रह गई और मैं आपके योग्य नहीं रह गई, आपके पास मुझे नहीं आना है। और ऐसा कह करके सती जी ने भगवान शिव का ध्यान लगाया है और प्यारे प्राण वायु को, प्राण को ब्रह्मांड में लेकर के गई, हृदय से अग्नि प्रकट हो गई और सबके देखते देखते माता सती जी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। जब सती जी मर गई तो वहां पर शिव जी के जितने गण थे अपनी माता को इस अवस्था में देख करके क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। प्यारे जब यज्ञ को नष्ट करने लगे तो उस समय भगवान श्री नारायण के परम भक्त भृगु जी हाथ में रक्षोहण मंत्र का प्रयोग करते हुए जल लिया, जल से अभिमंत्रित किया और प्यारे तमाम रिहु प्रकट हो गए, शंकर जी के गणों को विदा कर दिया। शंकर जी के गण बेचारे भाग करके शंकर जी के पास आए और इधर नारद जी ने जाकर के सूचना दे दिया कि महाराज सती जी ने प्राण त्याग दिया। अब शंकर जी को क्रोध आया, अतस्तोपन्नमिदं कलेवरम नाधारयिष्ये चितकंठ गर्हणि। सती जी ने प्राण को त्याग दिया है और जैसे ही शंकर जी को सूचना मिला कि सती जी ने प्राण त्याग दिया है तो भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत कितायम अवगम्य नारदा। शंकर जी ने क्रोध में भर करके अपनी एक जटा को उखाड़ा और जटा के एक बाल को उखाड़ करके धरती पर पटका, एक बड़ा विशाल काय पुरुष प्रकट हो गया, कराल दृष्टो जलद अग्नि मूर्धजः कपाल माली विवतोत्थित आयुः। भगवान शंकर ने पूछा तेरा नाम क्या है, भोवीरम देवभद्रम, कौन है तू। तब उसने कहा महाराज मेरा नाम वीरभद्र है, आप ही ने नामकरण किया। शंकर जी ने कहा तो एक काम करो, जाओ और जाकर के दक्ष अभिमानी है, दक्ष के अभिमान का उसको दंड दिया जाए। वीरभद्र ने कहा जी जैसी आपकी आज्ञा। और जैसे ही पहुंचा वीरभद्र, अब इधर ब्राह्मण बैठ करके ओम सहस्रशीषा पुरुखा सहस्रा पात सभूमि असप्रत्वातिष्ठदसांगुलम् वेद मंत्र उच्चारण कर रहे, उत्तर दिशा में भयंकर आंधी तूफान धूल उड़ती हुई आ रही है। एक विद्वान ने उसी में से पूछ लिया भैया ये धूल कैसा है, एक ने कहा गायें जा रही हूं, तो कहा भैया गाय तो गोंधली में जाती हैं, अभी तो गोंधली नहीं हुआ है। एक ने कहा डाकू आए होंगे, अरे बोले भैया दिन में कहां है डाकू आएंगे, डाकू तो रात में आते हैं। तो एक ने कहा कि हो सकता है कि तमाम घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़ों के टाप से धूल उड़ रहा हो। सब एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि इतने में तूफान आकर के यज्ञ मंडप में पहुंचा और दक्षम सयज्ञम जही दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट करना शुरू कर दिया। तमाम कलश तोड़ दिए गए, स्तंभ तोड़ दिए गए और प्यारे उसी यज्ञ में बैठे थे महाराज पूखा, ये बेचारे दांत दिखा करके बार बार हंस रहे थे, कहा कि ये गुनहगार हैं, इनको वेदांती कर देना ठीक है। बोले सच्चिदानंद भगवान की सही धमोकरा धर दिया, इनका बेचारे का दांत टूट गया।
अच्छा और देवता बचे थे, बोले भग देवता, बोले इनका, बोले इनका आंख ही फोड़ दिया। कहा कि इनको मोतियाबिंद हो गया है, जो भक्त और भगवान में भेद करते हैं, तो इनको ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, तो ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद बैठे थे एक देवता और, बोले कौन, बोले चंडीश, उनको भी दंड दिया। और चंडीश के बाद महाराज वहां बैठे थे भृगु, कुछ लोग अपने दाढ़ी और बाल को बड़ा सजा करके समार करके रखते हैं। तो ये भृगु जी बार बार क्या कर रहे थे, जब भी अपमान हो रहा था शिव जी का तो क्या किया, पकड़ा दाढ़ी और गोविंदाय नमो नमः। कहा अभी मुख्य अपराधी बाकी है दक्ष प्रजापति। और जैसे कोई जाकर के महाराज किसी मिट्टी के किसी पात्र को तोड़ दे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने जाकर के गर्दन मड़ोरा और ला करके दक्षाय स्वाहा पूर्णाहुति कर दिया। अच्छा ईमानदारी से बताइए, यज्ञ मित्र भी है और यज्ञ शत्रु भी है। जब यज्ञ किसी के अमंगल की कामना से होता है तो यज्ञ शत्रु बन जाता है, और यज्ञ किसी के मंगल की कामना से होता है तो यज्ञ मित्र बन जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। देखिए कभी भी कोई भी यज्ञ करिए, आपके अगल में बगल में नात में रिश्तेदारी में अगर कोई शत्रु भी है तो यज्ञ के दिन आपका ये भाव होना चाहिए कि भैया अब पता नहीं दोबारा ऐसा अवसर आएगा कि नहीं आएगा, आज से कौन मित्र कौन शत्रु, कौन किसकी हार किसकी जीत, कौन शत्रु कौन मित्र, सब बातों को भूल करके उसको भी गले लगा करके भैया तुम भी यज्ञ में आना, क्योंकि पता नहीं दोबारा ऐसा हमारा पुण्य उदय होगा कि नहीं उदय होगा। देखिए ये भाव होना चाहिए। और अगर यज्ञ में आपके मन में ऐसा भाव है कि वो मेरा शत्रु है तो ये पक्की बात मानकर चलिए आपके सारे दिए गए जो भगवान को पूजा पाठ की वस्तुएं हैं ये सब निरर्थक हैं, क्योंकि जब आपका शत्रु बना ही रह गया कोई तो यज्ञ सफल कैसे माना जाएगा। ईमानदारी से बताइए भैया तेरी करनी तू जाने, मेरी करनी मैं जाने, मेरी दृष्टि में कौन बुरा हो सकता है, ईमानदारी से बताइए। और अगर इस सूत्र से देखें तो कोई बुरा है ये नहीं है। सिय राम में सब जग जाने, 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 करहूं प्रणाम जो निज प्रभु मैं देखें जगत तो कहीं सन करहीं विरोध। तो अब बताओ जब सारा संसार प्रभु के समान दिखने लगेगा तो किसी से विरोध करने का भाव आएगा क्या, ईमानदारी से बताइए। दुनिया के शीश महल में हम किसको पत्थर मारे, और जब शीश महल का है एक शीशा अपना लगता है। बताओ ये दुनिया क्या है, शीश महल, और शीश महल में अगर आप चले जाइए तो प्रत्येक शीशे में किसका छवि दिखेगा, ईमानदारी से बताओ, बोलो। शीश महल में अगर आप देखने लगे तो किसका छवि दिखेगा, अपना दिखेगा। तो ये दुनिया एक शीश महल है, उसी प्रकार से इस शीश महल में अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपना दिखाई पड़ता है, ना कोई मित्र दिखाई पड़ेगा ना कोई शत्रु दिखाई पड़ेगा। बोलो हाँ जी कि ना जी, क्योंकि सबके भीतर परमात्मा ही तो है। और जितने लोग बैठे हैं आप बता दीजिए, कोई एक व्यक्ति बता दो कि जो 10 तत्व से बना हुआ हो, सब कितने तत्व से बने हैं, 5। छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। तो जब सबके शरीर में 5 ही तत्व हैं तो बंधुओं कोई मित्र कैसा और कोई शत्रु कैसा, आपने देखा होगा किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते, कोई रोता है जीवन भर हजारों लोग सोते,
कर्म ऐसा करो प्यारे दिलों की दूरियां कम हो। जो रोते को हंसाता है, जो रोते को हंसाते हैं वही इंसान होते, जो रोते को हंसाते हैं वही इंसान होते। अच्छा बताओ, हंसाना आसान है कि रुलाना है? कोई बच्चा खूब खेल रहा हो और ऐसे जाके दो बार ऐसे ऐसे कर दो, क्या करेगा? रोना शुरू कर देगा। और अगर वो रो रहा हो तो चन्ना मामा, जोनी मामा, फलाने, ऐसे बाघ, बिल्ली, कुत्ता, दुनिया को बुला डालोगे, लेकिन वो हंसने वाला नहीं है। रुलाना आसान है, हंसाना कठिन है। जो रोते को हंसाते हैं वही इंसान होते हैं। और कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है, हजारों बार अपनों का एक ऐसा मन बदलता है। सदा तुम अनुभवों का पाठ प्यारे याद कर लेना, किताबों से कहां इंसान का जीवन बदलता है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहो, लेकिन उसके बाद भी लगेगा अभी तो ये बाकी रह गया, बोले सच्चिदानंद भगवान की। और पढ़ने के बाद तो तमाम भेद उत्पन्न हो जाता है। अच्छा आप बताइए, कोई विद्वान खूब बढ़िया स्वर में वेदोच्चार कर रहा हो और कोई अनपढ़ अल्पज्ञ ठाकुर जी के सामने रो रहा हो, ठाकुर जी मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, अब ईमानदारी से बताइए पूजा किसकी स्वीकार की जाएगी भगवान के द्वारा? आपने देखा होगा जब ब्राह्मण वेद बोलते हैं ना, तो मैं किसी से कम नहीं हूं, ऐसी प्रसिद्धि मुझे मिले इसके लिए खूब जोर जोर से ओम हरि ओम, मालूम पड़ता कि मार कर रहे हैं सब, बोली सच्चिदानंद भगवान। और वहीं एक बालक, एक अल्पज्ञ, एक अनपढ़ वहां रो रो करके, ठाकुर जी मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपको जानता हूं, ईमानदारी से बताइए सबसे सच्ची पूजा किसकी हो रही है जो आंसू गिरा रहा है। एक बार एक सेठ ने संकल्प किया कि मैं सहस्त्र चंडी यज्ञ कराऊंगा। कितना? सहस्त्र चंडी। तो उसमें सहस्त्र चंडी में विद्वान भी तो ज्यादा लगेंगे, बड़े दूर दूर से विद्वान आने लगे। तो एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण, उनकी पत्नी ने कहा कि जहां हजारों ब्राह्मण वहां आप क्यों नहीं चले जाते, कुछ तो मिल जाएगा सेठ जी के द्वारा। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि देवी मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मैं कैसे पाठ करूंगा। पत्नी ने कहा जहां हजार लोग पाठ करने, एक नहीं है करेगा, खाली पन्ना उल्टे रहना, लोगों को लगे कि पाठ हो रहा है और बाद में दक्षिणा मिलेगी लेकर चले आना। अब पत्नी के कहने पर चले तो गए, लेकिन इनका जो हृदय था ना, ये कह रहा था कि अब मैं कैसे धोखा करूंगा अपने परमात्मा के साथ, माता जी के साथ। तो ये जानते क्या करते, ऐसे दुर्गा सरस्वती जी का पुस्तक खोल करके, हे माता जी यजमान का कल्याण करना, हे माता जी यजमान का कल्याण करना, हे माता जी यजमान का कल्याण करना, हम पढ़े लिखे नहीं, हे माता जी यजमान का कल्याण करना, हमको कुछ नहीं आता, हे माता जी यजमान का कल्याण करना, भले ही मुझे दुख दे देना लेकिन यजमान का कल्याण करना। और बाकी सब देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य। अब भाव से सब पंडित जी भाव से और बाकी जितने विद्वान सब स्वर से। तब तक एक बगल वाले विद्वान ने कहा लगता है इनको कुछ आता नहीं है, सेठ से शिकायत कर रहे हैं। सेठ जी हम लोग देखो इतने उच्च स्वर से पाठ करते हैं और ये जो ब्राह्मण है इसको कुछ नहीं आता। सेठ ने कहा कि दुर्गा सरस्वती जी का फला श्लोक सुनाई। अब पंडित जी जब कुछ जाने तो सुनावे, पकड़े गए। सेठ ने दोनों हाथ पकड़ करके कहा सुनो चलो बाहर बैठो, बाहर बैठो, धोखाबाजी करते भगवान के साथ, चलो बाहर बैठो। उसके बाद भी पंडित जी को ये बुरा नहीं लगा कि ये हमको बाहर कर रहा है, बल्कि कहने लगे हे ठाकुर जी मैं धोखा कर रहा था, हे ठाकुर जी मैं धोखा कर रहा था, मेरे जजमान का कल्याण करना, मेरे जजमान का कल्याण करना। पंडित जी रोते हुए पुस्तक लेकर घर की तरफ बढ़े, रास्ते भर यही कहते रहे। शाम को जब पूजन विश्राम हुआ, सेठ जी सोए, माता जी ने स्वप्न दिया, सेठ जी आपके पास 11,000 विद्वान आए हैं,
लेकिन 11,000 विद्वान में एक ही विद्वान सही पाठ कर रहा था, बाकी तो सब केवल टाइम पास कर रहे थे बोली सच्चिदानंद भगवान की। और जब तक उस ब्राह्मण को नहीं बुलाओगे तब तक आपका पूजन सफल नहीं होगा बोली सच्चिदानंद भगवान की। उस ब्राह्मण को बुलाओ। सेठ गया, गुरुदेव आप चलिए, आपको माता जी ने स्थान दिया है। उन्होंने कहा भाई आप नहीं जाएंगे, अब क्या जाएं, हमको कुछ नहीं आता। सेठ ने रो करके कहा पंडित जी सच बताओ, आप ही की पाठ को माता जी सुन रही हैं, बाकी तो सबके पाठ को माता जी समझ ही नहीं पा रही। बोले सच्चिदानंद भगवान की प्रधान क्या है भगवान के लिए बोलो, भाव प्रधान। राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम पिया, जान ले सोई जान निहारा, जान ले सोई जान निहारा। भगवान प्रेम पसंद करते हैं। अच्छा यहाँ तमाम भैया बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए तमाम वस्तुएं रखी जाती हैं, लेकिन एक बात बताऊं, तमाम वस्तुओं का महत्व भगवान के लिए नहीं है। अगर उसमें तुलसी पत्र पड़ा हो ना तो भगवान सारे वस्तुओं को छोड़कर के क्या स्वीकार करेंगे बोलो, तुलसी पत्र। उसी प्रकार से भगवान को अगर कभी भी कुछ देना है तो केवल प्रेम अर्पण करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं और यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं। यज्ञ करने वाले के लिए कोई अपना नहीं होना चाहिए, यज्ञ करने वाले के लिए कोई पराया नहीं होना चाहिए। आज दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मैं समझ गया, लेकिन प्रभु एक बात और मेरे मन में है। कहा क्या, कहा हम भेद से भगवान का पूजन करते हैं, ब्रह्मा जी अलग हैं, विष्णु जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं। बोलो आज भी तमाम लोग भेद वाला पूजा करते कि नहीं। हमारी माताएं एक टोकरी लेकर जाती है, उसमें अक्षत होता है, मिश्री होता है, छुहाड़ा होता है, किशमिश होता है। किसी मंदिर में जाएंगे गणेश जी के सामने दुई मिश्री, शंकर जी के सामने, और अगर कहीं दुई मिश्री कम हो गया हनुमान जी को नहीं चढ़ा तो पूरे रास्ते भर पश्चाताप रहेगा, हनुमान जी नाराज हो गए होंगे, उनको मिश्री दिया नहीं गया, वो नाराज हो गए होंगे, वो नाराज हो गए होंगे। अच्छा अब आप लोग बताइए, भगवान एक हैं कि अनेक? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। और अगर भावना आ जाए कि सब एक ही तो हैं तो आपका जीवन धन्य बन जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो हाँ या ना। अच्छा जब तक भेद है तब तक मन में अशांति है, और जिस दिन भेद समाप्त हो जाएगा उसी दिन अशांति। वो गीता आपने सुना होगा, जग में सुंदर है दोना चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक ही नाम है, चाहे राम बोलो और चाहे श्याम बोलो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अलग अलग नहीं है, लेकिन आजकल तो तमाम लोग हैं जो भेद करते हैं। एक बार दो लोग रास्ते से जा रहे थे, एक व्यक्ति दीपक लेकर बड़ी श्रद्धा से जा रहा था, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा भैया दीपक लेकर कहां जा रहे? बोले मंदिर। क्या मंदिर, कौन सा मंदिर? अरे मंदिर में बनाई हुई मूर्ति तुम्हारी, मंदिर में रखा हुआ घंटा तुम्हारा, मंदिर में रखा हुआ सब कुछ तुम्हारा, मंदिर में रखा हुआ बनाया हुआ छत तुम्हारा, तो किस भगवान को दीपक? अरे अब ये विचार करो ये दीपक में ज्योति कहां से आई? और बेचारा बड़े श्रद्धा से पूजा करने जा रहा था और तकरार करने वाले ने कहा कि इसमें ज्योति कहां से आई? तो उसने सोचा अब ये है नास्तिक, इससे उलझना ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया, फूंक मारा, दीपक बुझ गया। और जब दीपक बुझ गया तो उसने कहा कि तुमने दीपक क्यों बुझा दिया? कहा ये पूछूं बताना। कहा क्या? कहा तुम हमसे पूछ रहे हो कि जानकारी करो कि दीपक में ज्योति कहां से आई, तो हम तुमसे पूछ रहे हैं पता करो ज्योति गई कहां। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बोले भैया हमें क्या पता ज्योति कहां गई? तो कहा जब तुम ये नहीं जानते कि ज्योति कहां गई तो हम जानकर क्या करेंगे ज्योति कहां से आई, तुम अपना काम करो हम भजन करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक बहुत बड़े पांडाल में एक व्यक्ति प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ध्यान करो गौ। सबने गऊ का ध्यान किया तो बोले एक दिख रही है कि अलग अलग? कहा नहीं नहीं महाराज, सबको गऊ अलग अलग दिख रही, किसी को कपिला, किसी को भूरी, किसी को सिंह वाले, किसी को बिना सिंह वाले।
उन्होंने कहा ध्यान करो हाथी, तो अब हाथी सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा घोड़ा, अब सबने घोड़ा देखा। तो कहा कि एक बताओ, हाथी अलग दिख रहा है, घोड़ा अलग दिख रहा है, गाय अलग दिख रही है, तो जो अलग अलग दिखे वो भगवान कैसे हो सकता है? बोले सच्चिदानंद भगवान के लिए ध्यान करो भगवान। अच्छा बताओ भगवान, अगर हमने कह दिया ध्यान करो तो क्या सबकी ये कई भगवान है? किसी को शंकर जी पसंद हैं, किसी को मुरली वाले पसंद हैं, किसी को दुर्गा जी पसंद हैं, किसी को साईं बाबा पसंद हैं, किसी को लक्ष्मी जी पसंद हैं, किसी को भूतवा बाबा पसंद हैं, किसी को ब्रह्म बाबा पसंद हैं, किसी को काली माई पसंद हैं, किसी को डीह बाबा पसंद हैं, किसी को बड़की माई, किसी को छोटकी माई, किसी को ओबा माई, किसी को हैजा माई। आजकल तो सबके अलग अलग देवता हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब जैसे उन्होंने कहा ध्यान करो भगवान, अब सबको अलग अलग दिख रहे हैं। तो कहा एक बात बताओ, जो अलग अलग दिखे वो क्या है? बोले बहुरूपिया। अब श्रद्धालु भक्त बोले प्रभु हम अब तक अंधे थे, आज आपने हमारा नेत्र खोल दिया, आज पता चल गया कि भगवान बहुरूपिया है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तब तक एक महात्मा वहीं में से उठकर बोले भैया एक बात बताइए, आपने हाथी घोड़ा तो सबका दर्शन कराया, ध्यान कराया, अब हम भी आपसे पूछे। कहा हाँ। कहा देखो बाप, जैसे इन्होंने कहा देखो बाप। अच्छा अब बाप तो दिखा लेकिन सबके अलग अलग दिखे, बोलो हाँ या ना, क्योंकि बाप तो है लेकिन सबके अलग अलग है कि नहीं है? एक ही तो सबके बाप नहीं है। तो कहा कि महाराज सबको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। कहा तो क्यों, जब बाप है तो सबके एक ही दिखने चाहिए, अलग अलग कहीं दिख रहे हैं? तो कहा महाराज मतलब, तो कहा जैसे बाप का नाम एक ही है लेकिन सबके अलग अलग होते हैं, वैसे भगवान बाप एक ही है लेकिन सबके अलग अलग होते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, उत्तर प्रदेश में एक मंत्री है जिनका नाम है मुख्यमंत्री, उसके बाद बाकी कौन है? मंत्री। अच्छा उसमें भी कुछ कैबिनेट है, कुछ राज्य है। बोले सच्चिदानंद भगवान की है कि नहीं है? अच्छा अब आप बताइए कि अलग अलग जो मंत्री हैं सबका अलग अलग अपना काम है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ऐसे हमारे देवताओं में भी भगवान क्या है? राष्ट्रपति। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान क्या है? राष्ट्रपति। और बाकी देवता सब क्या है? मंत्री। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये क्या करते हैं? बोले ये अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री हैं। अच्छा ईमानदारी से बताइए, अगर मान लीजिए कोई मंत्री किसी के हाथ छापा पड़ जाए और किसी को रंगे हाथ पकड़ ले तो सजा देगा? बोलो हाँ। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाह ले तो बड़े से बड़े सजा से मुक्त कर सकते कि नहीं कर सकते? ईमानदारी से बताइए। तो ऐसे हमारे भगवान भी एक हैं लेकिन अलग अलग विभाग इसलिए बनाया गया है कि भाई एक ही व्यक्ति अगर एक विभाग देखेगा तब तो काम समझ में आएगा, लेकिन एक व्यक्ति दस विभाग देखेगा तो ईमानदारी से बताइए काम कैसे चल पाएगा? बोले सच्चिदानंद भगवान की। इस नाते भक्त तमाम हैं और सबकी अलग अलग परेशानियां हैं, तो अलग अलग विभाग बना दिया, वरुण देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, कि सब लोग अपने अपने विभाग को देखो, बाकी तो दस्तखत करना है भगवान को। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान अलग नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि यज्ञ में कोई आपका शत्रु नहीं होना चाहिए, यज्ञ में कोई मित्र नहीं होना चाहिए। दक्ष प्रजापति को धन मिला और भगवान ने दक्ष से कहा सुनो, दर्शनम अस्पर्शन, दर्शनम अस्पर्श स्वान पत्यानि पद्मदा। महाराज जैसे कछुआ मछली और पक्षी अपने अपने संतानों को ध्यान दर्शन और स्पर्श के द्वारा पालते हैं, उसी प्रकार से हम ब्रह्मा विष्णु शिव देखने में अलग अलग हैं लेकिन तीनों का अगर देखा जाए तो काम एक ही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि जब तीनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं? ब्रह्मा और विष्णु तीनों मिल जाते हैं तो कौन सा शब्द बनता है अंग्रेजी का? भगवान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भाई हम तो नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन इतना तो हम सुने ही हैं कि अंग्रेजी में भगवान को क्या बोलते हैं? जोश बोलो। गॉड। अच्छा गॉड में एक अक्षर है कि तीन अक्षर है? तो ब्रह्मा कौन है? जनरेटर है कि नहीं है? बोलो।
भगवान विष्णु ऑपरेटर हैं कि नहीं है बोलो, और शंकर जी डिस्ट्रॉयर हैं कि नहीं है बोलो, तो ये तीन मिलकर के क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एक हैं कि नहीं है। तो इसी प्रकार से दक्ष प्रजापति, आज से ये भेद बुद्धि छोड़ दो कि ब्रह्मा अलग हैं, विष्णु अलग हैं, शिव जी अलग हैं, यथा तरो मूल निशेचनेन तृप्तन्ति अस्कंद भुजोपशाखा, हम जड़ को पकड़ करके बैठे, पत्ते अपने आप हमारे पास रहेंगे, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दक्ष प्रजापति ने चरण में सर रखा। चतुर्थ स्कंद सातवां अध्याय 13वां श्लोक, दक्ष हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भूया अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंड स्वयामयि कृतो यदपि प्रलब्ध। महाराज आज आपके द्वारा एक बात जानने को मिल गया कि अगर व्यक्ति कितना भी अपराधी क्यों ना हो जाए, नरक जाने वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन आपकी कृपा हो जाए तो बड़े से बड़े पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा ईमानदारी से बताइए, भगवान सारे संसार के पाप को दूर करते हैं कि नहीं दूर करते हैं? एक बार केवल भाव से उनके शरण में तो चला जाया जाए। अब कई लोग कहेंगे कि महाराज भगवान तो बड़े लोगों को पसंद करते हैं, छोटों की क्या औकात भगवान के सामने। लेकिन मैं आप लोगों से आज एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि भगवान बड़ों को तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन अगर कोई बालक बनकर के शुद्ध हृदय लेकर के भगवान के पास चला जाए तो भगवान उसको भी त्यागते नहीं है। अच्छा आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा निर्मल मन किसका होता है, बुजुर्ग का कि बालक का? किसका मन निर्मल होता है? बुजुर्ग के मन में तो तृष्णा होती है, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा व्यापार, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा समाज, हाय मेरी संस्कृति, हाय वो हाय हाय करते रह जाता है। अच्छा आजकल तो हम लोग जब शहर वहर में कथा करने जाते हैं तो हम लोगों से बोलते हैं हाय गुरुजी। हमने कहा भैया मरने के बाद बोला जाता है, तुम जीते जी हाय हाय कर रहे, बोले सच्चिदानंद भगवान। अच्छा कोई मर जाए तो क्या, हाँ ये तो मर गए, हाँ ये तो मर, और आजकल तो जीते जी हाय। ठाकुर जी कृपा ना करें कि किसी को कभी हाय लगे, लेकिन जीते जी बोला जा रहा हाय। अरे कम से कम वह बात बोलो, वह शब्द बोलो जो अच्छा लगे, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हम लोगों को भी ऐसे ऐसे लोग हाथ दिखाते हैं। हमने एक बार एक सज्जन से पूछा ये हाथ काहे दिखाते हैं, बोले महाराज जी 7 दिन बहुत परेशान किया और दोबारा मत आना। एक बिटिया ऐसे करके जा रही थी, विदाई थी बिटिया की, वो ऐसे ऐसे कर रही थी तो हमको लगा कि ये क्या है, तो वहीं एक सज्जन ने विनोद किया, बोले महाराज जी बचपन से भोजन बनवाते बनवाते इसकी माता ने पिताजी ने परेशान कर दिया होगा, तो बोली कि अब हम जा रहे हैं और अब 2-4 महीना हमको मत बुलाना, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, अब आराम से कम हमको अपने जीवन जीने देना, बोले सच्चिदानंद भगवान। अरे हम कहते हैं हाय बाय बोलने की क्या जरूरत है, हमारे यहाँ तो भगवान की बड़ी कृपा है। आप दिल्ली उल्ली चले जाओ, दिल्ली राजस्थान, तो वहां लोग जानते क्या बोलते हैं, राम राम जी, क्या बोलते हैं, राम राम जी। अच्छा सुनने वाले को भी आनंद और बोलने वाले को भी आनंद। अच्छा अब भगवान की बड़ी कृपा देखिए, पहले के लोग जब एक दूसरे से मिलते थे तो तुरंत बोलते थे राम राम जी, और मुख से अगले के भी निकल जाता था राम राम जी, और आज जब कोई किसी के यहां पहुंचता तो तुरंत। हमने पूछा इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब अब तक राम हमारे तुम्हारे साथ रहते थे, अब एक हाथ की दूरी हो गई है, बोले सच्चिदानंद भगवान की, अब एक हाथ की दूरी हो गई है, अब साथ में राम नहीं रहते। बोलो हाँ या ना, तो कम से कम अभी यह परंपरा आगे बढ़नी चाहिए राम राम कहने की। और एक बात और बता दूं, भगवान से प्रार्थना करिए कि जगह भूल जाओ कलह भूल जाओ और लड़ने की सारी वजह भूल जाओ और मालिक मुझे ऐसा बच्चा बना दे रात को लड़ूं और सुबह भूल जाऊं, रात को लड़ूं और
सुबह भूल जाऊं। अच्छा बच्चे लड़ते हैं, शाम को तो मारपीट कर लेंगे, लेकिन सुबह जानते हैं भैया आज किधर खेलने जाना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और हम लोग जब लड़ते हैं ना तो कहते हैं अब हम इनका मुंह नहीं देखेंगे, इतनी खराबी हो गई मुंह में। बोले सच्चिदानंद भगवान की पायरिया हो गया जो मुंह नहीं देखो, क्या दिक्कत हो गई मुंह नहीं देखोगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जब कोई मर जाता है तब लोग कहते हैं अब इनको हम कैसे देखेंगे। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले। चार दिन की जिंदगी है भैया, लोग चले जाएंगे फिर दोबारा देखने के लिए तरस जाओगे। तो एक निवेदन है कि जब तक जिंदगी चल रही है बालक की तरह रात में लड़ भी जाओ तो सुबह एक साथ बैठ करके मिल जाओ, जिससे अगले को ये ना पता चले कि दोनों लड़े हुए थे। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तब तो हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। और एक बात और आप सभी को बता दें, आज की कथा में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान को सबसे ज्यादा अगर किसी का हृदय पसंद आता है तो केवल बालक का हृदय पसंद आता है, क्योंकि बालक निष्प्रिय होता है, निर्लोभी होता है, निरअहंकारी होता है और प्यारे निर्दोष होता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जो निष्प्रिय हो, निर्दोष हो, निरअहंकारी, जो अहंकारी ना हो, ऐसे भगवान को क्या करते हैं, ऐसी हृदय को भगवान क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इसी नाते शंकर जी ने धनुष बाण वाले राम जी को नहीं प्यार किया, शंकर जी ने उस राम को प्रेम नहीं किया जो सीता जी के यहां धनुष तोड़ने गए थे। तो शंकर जी ने किस राम जी को प्रेम किया, बोले मंगल भवन अमंगल हारी, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। अगर कोई आधार है तो बालक राम है। कौन है, बंदो बाल रूप सोई राम। इसलिए अपने हृदय को कैसा बना करके रखोगे तो भगवान मिलेंगे। बोलिए बालक कितने हृदय बना करके रखोगे तो गोविंद आपको मिल जाएगा, इस कलिकाल में भी कोई संशय नहीं है। अब एक कथा में आपको सुनाने जा रहा हूं, श्रीमद् भागवत में एक राजा है जिनका नाम है उत्तानपाद। अच्छा उत्तानपाद का अर्थ जानते हैं, जिसने अपनी प्रतिष्ठा को ऊंची की हो उसी का नाम क्या है, उत्तानपाद। और उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरचिस्तयो सुरचि प्रेयसी पत्न्यों नेतराय सुतो ध्रुवा। चतुर्थ स्कंद आठवां अध्याय आठवां स्कंद आठवां अध्याय आठवां श्लोक, वहां पर लिखा है कि राजा उत्तानपाद की जो बड़ी रानी है उसका नाम है सुनीति। अच्छा यहां इतने लोग बैठे ईमानदारी से बताइए, आज हर जीव उत्तानपाद है कि नहीं,
हर जीव उत्तानवाद है और हर जीव की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरचि। सुनीति किसे कहते हैं? बोले सुष्टुर नीतिर यस्य सह सुनीति। जो शास्त्र की नीति पर अपने पग को रखे, उसी के आधार पर अपना जीवन जिए, उसे क्या कहते हैं? सुनीति। और दूसरा कौन? बोले स्वस्य रुचिर यस्य, जो मेरे मन में आएगा वही हम करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मन वालों का क्या होता, हार होता है कि जीत होता है? बोलो जी। मन के हारे हार है और मन के जीते जी, और मन ही मिलावत राम पद, और मन ही साचो मी। अगर आपका मन जीत गया तो आप जीत गए, आपका मन हार गया तो आप हार गए। इसीलिए जो संत होते हैं वो विवेक से काम करते हैं, मन के भरोसे नहीं रहते हैं, मन परेशान करता है। अच्छा एक आप बात बता दीजिए, सुरुचि क्या करेगी? बोले आपको धनवान बलवान बना देगी, बुद्धिमान बना देगी। लेकिन एक बात बता दें, धनवान बलवान बुद्धिमान हो जाना अलग बात है, अध्यात्म अगर आपके जीवन में आएगा तो सुरुचि से नहीं आएगा, अध्यात्म अगर आपके जीवन में आएगा तो सुनीति से आएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सुष्टुर नीतिर यस्य सह सुनीति। अच्छा सही से बताओ, धनवान बन जाने वाला शांत है कि अशांत? बोलिए, धनवान अशांत है, बलवान अशांत है, बुद्धिमान अशांत है, और इस संसार में शांत वही है जिसके पास अध्यात्म की शक्ति है, बाकी और सब अशांत ही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आप किसी को भी जाकर के देख लो, इतना तो कमा लिया, इतना और कमा लेता, ये अशांति है। और ठाकुर जी अब कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता गई, मनवा बे परवा, जिनको कुछ ना चाहिए सो ही साहन साह। एक बार एक राजा अपने रथ पर बैठ करके जा रहा था, तो रास्ते में महात्मा बैठे थे। मंत्री ने कहा महात्मा रास्ते से हट जाओ, राजा की सवारी आ रही है। महात्मा ने कहा जाकर के अपने राजा से कह दो वो रास्ता बदल दे, यहाँ महाराजा बैठा है। बोले सच्चिदानंद भगवान। राजा ने आकर के कहा दो कौड़ी के महात्मा तुम महाराजा कैसे? तो महात्मा ने पूछा तुम राजा कैसे? कहा मैंने दो राज्य लूटा है, तीसरा लूटने जा रहा हूं। बोले इसके बाद क्या करोगे? सोएंगे, शांति मिलेगी। तो महात्मा ने कहा कि भैया तुम दुई राज लूटोगे तब तुमको शांति मिलेगी, हमने अपना परिवार धन संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया है, तो बताओ तुम राजा हो तो हम कौन है? तुम लूट रहे हो राजा और हमने सब कुछ छोड़ दिया इस नाते महाराजा। उसने कहा अच्छा तो तुम्हारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो हमसे तुम्हें महान बनाती है? महात्मा ने ऐसे अपना एक माला दिखाया, कहा ये है जो तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, क्योंकि तुम्हारी इकट्ठा की हुई संपत्ति तुम्हें सुख देती है लेकिन शांति नहीं दे सकती। तुम्हारी वस्तु जो है वह भोजन की अच्छी व्यवस्था कर सकती है लेकिन भूख नहीं ला सकती। तुम्हारा धन औषधि ला सकता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं दे सकता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और हमारे पास जो वस्तु है ना, इससे भोजन भी मिलेगा, इससे सुख भी मिलेगा, इससे शांति भी मिलेगा। महात्मा ने कहा हम कैसे, राजा ने कहा हम कैसे मान लें कि तुम बहुत बड़े हो? कहा कि आप इतने बड़े राजा रथ से उतर करके एक महात्मा से बात कर रहे हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तुम्हें देखने के लिए प्रोटोकॉल लगा हुआ है, प्रोटोकॉल तोड़ करके तुम किसी से नहीं मिल सकते, सैनिक व्यवस्था बनाएंगे तब मिलोगे। और आज बिना सैनिकों के तुम उतर करके मुझसे बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम राजा हो और मैं महाराजा हूं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। राजा ने कहा कि मेरे पास सिंहासन है, मेरे पास सेज है, तुम कहां सोते हो? महात्मा ने कहा तुम्हारे पास का जो सेज है आज खरीदोगे
हो सकता है कल टूट जाए, बोले सच्चिदानंद भगवान, लेकिन मेरे पास जो सेज है ये टूटने वाला नहीं है। कहा क्यों? जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। हमारा जो बिस्तर है यही क्या है? धरती। और हमारा तकिया क्या है? हमारा हाथ। अच्छा, समस्या ये है कि आपका बिस्तर फट जाएगा, आपका सेज टूट जाएगा, लेकिन हमारा जो बिस्तर तकिया है ये ठाकुर जी ने ऐसा दिया है कि महाराज इसके लिए एक्स्ट्रा किसी बैग की जरूरत नहीं है, जब चाहे तो महाराज आराम से लेकर जा सकते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा को थोड़ा सा ज्ञान आया तो कहा महात्मा इस श्मशान में काहे बैठे हो, चलो बस्ती में, वहां लोग मिलेंगे। महात्मा ने कहा भैया क्या करेंगे बस्ती में जा करके? तो कहा यहाँ क्या करोगे? कहा यहाँ बैठे रहेंगे देर सवेर, सब यही मिलेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो हाँ जी, देर सवेर सब यही मिलेंगे। राजा ने अपना गुरु बना लिया। मेरे कहने मतलब यह है कि राजा श्रेष्ठ है, लेकिन महाराजा उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि एक ने पाया है तब राजा बना है, और एक ने सब कुछ छोड़ दिया है तो क्या बना है? चाह गई चिंता गई मनवा बे परवा, और जिसको कुछ ना चाहिए सो ही सहंसा, सो ही सहंसा। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुरुचि की जो बेटा है इसका नाम है उत्तम, और सुनीति के जो बेटा है ध्रुव। अच्छा, अब आप इतने लोग बैठे ईमानदारी से बताइए, आपकी जीवन में कितनी संपत्ति आ जाए लेकिन वह संपत्ति अगर विवेक पूर्ण ना खर्चा किया जाए तो वह संपत्ति आपको पतन के मार्ग पर ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? ईमानदारी से बताइए। और ध्रुव कौन है? सत्य निष्ठा। अगर आपके जीवन में सत्य आ जाए, आपके पास निष्ठा आ जाए, तो दुनिया में कुछ आपके पास हो ना हो, एक दिन पूरा संसार आपका होगा कि नहीं होगा? बोले सच्चिदानंद भगवान की। बोलो आया ना, निष्ठा नहीं चाहिए। अब ध्रुव का जन्म हुआ जंगल में और उत्तम का जन्म हुआ महल में। अच्छा, जो जंगल में जन्म लिया वो नित्य सत्संग में रहता है, और जो महल में रहा और नित्य संसार के कुसंग में रहता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक दिन ध्रुव और उत्तम दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, पिता सिंहासन पर बैठकर के बच्चों की क्रीड़ा का आनंद ले रहा है, लेकिन प्यारे बच्चे आपस में लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते ध्रुव उत्तम इतने लड़ने लगे कि प्यारे उत्तानपाद सिंहासन से नीचे उतरे, उत्तम की उंगली पकड़ी और ध्रुव को गोदी में बिठा करके दुलारने लगे, बेटा लड़नो ना है चाहिए, ये अच्छी बात ना है, छोरन को कमो ना है, लड़नो चाहिए। और तब तक सुरुचि आई, ध्रुव को गोदी से खींचा, धरती पर पटक दिया ध्रुव को। ध्रुव जी ने जब ऐसा व्यवहार देखा, मैया अरे ओ मैया तेने मोको धरती पर काहे पटक दियो? सुरुचि ने कहा, लाला तू दासी का बेटा है, और दासी का बेटा कभी राजा के पुत्र की तरह राजा की गोदी में बैठे? ध्रुव जी ने कहा, मां अगर इस गोदी में बैठना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले तपसा आराध्यम पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानम यदोक्षसे नृपासनम। चतुर्थ स्कंद आठवां अध्याय 13वां श्लोक। अगर इस गोदी में बैठना चाहता तो जाकर के तपस्या कर, और एक थप्पड़ खींच करके लगाया, ध्रुव अपने आंख का आंसू पोंछते मां के पास आए, मां मां मौसी ने मारा है, लेकिन मैं भी अगर तेरा बेटा हूं तो मैं संकल्प करता हूं कि अगर मैंने बड़े से बड़े सिंहासन पर बैठ करके अपनी मां को नीचा नहीं दिखाया तो मैं भी तेरा बेटा ध्रुव नहीं। ध्यान देना मेरी मैयाओं, मैया ने मुख पर हाथ रख दिया, मां मंगलम तात परेश मुक्ता मुक्तो जन्म यद परम दुख हस्तता। बेटा कभी किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए, जो दूसरे का बुरा सोचता है ना उसका फल उसको स्वयं मिलता है। अच्छा, आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं, अगर कोई व्यक्ति शक्कर बेच रहा है, शक्कर तो हाथ मीठा होगा कि तीखा, और कोई मिर्च बेच रहा है
बोलो। तो अब कोई गुलाब बेचेगा तो हाथ से सुगंध आएगा कि दुर्गंध, और कोई हाथ से कोई अपवित्र वस्तु बेचेगा तो बताओ सुगंध आएगा कि दुर्गंध है जी। तो इसलिए बेटा जो दूसरे का बुरा सोचता उसका बुरा होता है, और माँ ने तेरी बुरा ही बात क्या कह दी, सत्य ही तो कहा, सत्यम सुरक्षाभिहितं भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। सच में तुझे देवता होना था तो मनुष्य बन करके आया, और दूसरे तुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना था तो मेरी गर्भ से जन्म लेकर के आया। लेकिन बेटा आज तक मैं बताऊं, मैं स्वार्थी थी जो तुझे केवल बेटा बेटा कहकर के गले लगाती थी, असली अगर तेरी माँ है तो सुरुचि ही है बोले सच्चिदानंद भगवान की। जो भगवान के विषय में बताए वो कौन है पता है, वही माँ है। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठक, वो माता शत्रु पिता बैरी है जो बच्चों को अच्छा शिक्षा अच्छी संस्कृति ना दे। और बेटा सच बताऊं, तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग दाता, तप बल जग दाता, तप बल शंभु करहिं संगा, तपवन से सिधर ही मही भारा, तपवन से सिधर ही मही भारा। तपस्या से ही मनुष्य का कल्याण होता है, और ध्रुव को तपस्या का मार्ग बताया। ध्रुव जी ने घर छोड़ा और भगवान से मिलने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आज ध्रुव जी के जो नेत्र हैं वो बिहारी जी से लड़ गए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए ताली बजा करके हम लोग भी अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करें। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, कर गए दिल पर टोना बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पर टोना बाके बिहारी के नैना, बाके बिहारी के कुंज बिहारी के, बाके बिहारी के कुंज बिहारी के। देखो ताली बजा करके भजन करना चाहिए। कर गए दिल पर टोना बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पर टोना बाके बिहारी के नैना। आज कथा में आए हैं हमारे श्री चौकी इंचार्ज जी सहित, आपके परिवार सहित जितने भी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग भाई बंधु आए हैं, आलोकानंद शास्त्री सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता है भाव के साथ। मेरा चुराए गए चैना बाके बिहारी के नैना, मेरा चुराए गए चैना बाके बिहारी के नैना। आदरणीय श्री संचालक जी आपको भी हृदय से साधुवाद धन्यवाद, और जितने भी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बच्चे आए हैं सबको व्यासपीठ से ढेर सारा आशीर्वाद। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा सब लोग प्रेम से बोलें, इन नैनों पर सब कुछ हारा, तेरे नैनों पर सब कुछ हारा, बाके बिहारी हमें लगता प्यारा, बाके बिहारी हमें लगता प्यारा, बाके बिहारी हमें लगता प्यारा, बाके बिहारी हमें लगता प्यारा। बिन देखे बिन देखे नहीं चैना बाके बिहारी के नैना, बिन देखे नहीं चैना बाके बिहारी के नैना। वृंदावन में हरि राम की, जय हरि। श्री राम
सर मोटे मोटे नैनो पे भीनो भीनो कजरा 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 वाको है क्या कहना बाके बिहारी के नैना वाको है क्या कहना बाके बिहारी के चुराए गए चैना बांके बिहारी के नैना मेरा चुराए गए चैना बिहारी के नैना। आज चौथा दिन है और अगर उस कथा को जोड़ लिया जाए तो आठ चार बारहवा दिन है आज जो पिछली कथा हुई। कितने लोगों को ठाकुर जी का रंग चढ़ चुका है जरा हाथ जोड़कर बताओ। अगर चढ़ चुका है तो हाथ जोड़ करके मेरे साथ कहिए मैंने लड़े जब से वाके संग 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 प्रेम प्रीति का चढ़ा है सारंग प्रेम प्रीति का चढ़ा है सारंग और अब तो बामरे का रहना बांके बिहारी से नैना बांके बिहारी से नैना मेरा चुराए गए चैना बांके बिहारी के नैना मेरा चुराए गए चैना बांके बिहारी के नैना बांके बिहारी के नैना बांके बिहारी के जी। जैसे घर से बाहर निकले अच्छा एक बात बता दें अगर आप भगवान से जुड़े नहीं हैं तो दुनिया भी आपके साथ खड़ी नहीं है और एक बार भगवान से जुड़ जाइए तो आप देख लीजिए कि जो आपको कभी पूछने वाले नहीं ना वही आपका सम्मान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। एक भाव है आप लोगों को मैं बताऊं जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात ना थी ये तो रहमो कर्म बस उसका था मुझ में कोई ऐसी बात ना थी मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना और तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना। बोलो हाँ। और वो भी आप लोगों ने सुना होगा कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को हम सभी लोग जितने लोग बैठे हैं ये भाग्यशाली ही हैं कि जो आज ठाकुर जी से जुड़े हैं बोले सच्चिदानंद भगवान की। वरना आज इसी रात्रि में कोई प्लान बना रहा होगा कि कल फलाने को गाली देंगे कोई प्लान बना रहा होगा कल इसका इतना लूटना है कल सोच रहा होगा कि ऐसा करना कोई ये कर रहा होगा कोई वो तमाम बातें मन में चल रही होंगी है? लेकिन आप इतने भाग्यशाली हैं कि जो आप ठाकुर जी के शरण में बैठे हैं और आप ध्यान दीजिएगा जीवन उनका नहीं जो महलों में सुख से बिता लेते हैं जिन जीवन उनका धन्य होता है जो ठाकुर जी से अपना दिल लगा लेते हैं बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वही तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं बंधु माताओं। अब जैसे ध्रुव जी आगे बढ़े तैसे पिताजी ने कहा ध्रुव तेरी माँ ने एक सूचना भिजवाया है। कहा क्या? कहा अभी तक जो तेरी माँ को जव दिया जाता था ना जव परिवर्तित कर दिया गया गेहूं हो गया और जो एक किलो मिलता था ना अब दो किलो हो गया और जो खड़ा गेहूं मिलना था वो खड़ा नहीं मिलेगा पिसा मिलेगा। ध्रुव जी ने कहा पिताजी तो इससे हमारा क्या लेना देना। बोले अब महल में चलो अब तो तुम्हारी मांग भी पूरी हो रही है और तेरी माँ जिसको जिसने थप्पड़ मारा तो वही गई है और सुन आधा राज तेरा आधा राज ध्रुव का कहो तो आज ही दे दे।
ध्रुव जी ने मुस्कुरा करके कहा, पिताजी जे प्रभु कियो शेर से दूना तिनके भवन और का सोना। अभी रास्ते में चला ही एक किलो का दो हो गया, जव का गेहूं का जव हो गया, जव का गेहूं हो गया और खड़े का पिसा हो गया और आधा राज मिल गया, तो अब तो उस दरबार में पहुंच जाऊंगा, हो सकता और क्या मिल जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की, अब रुकना नहीं, अब तो जाऊंगा। और जैसे रास्ते में जा रहे थे ना, और तब तक कान में आवाज आई, नारायण नारायण। नारद जी आ गए, कहां जा रहे हो भोले भंडारी? बोले भगवान से मिलने। नारद जी ने कहा कि तुम भी ना, अरे बालक हो घर में रहो। बोले मेरी माँ की वाणी ने मुझको व्यथित किया है। तो ध्रुव जी समझाने लगे, चतुर्थ स्कंद आठवा अध्याय 27वां श्लोक समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? नाधुना वापि मानम ते सम्मानम वापि पुत्र लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। अरे कहाँ खेलने कूदने की तुम्हारी उम्र, और इस उम्र में तुमको मान सम्मान लगने लगा। हे बेटा ध्रुव, बच्चों को ना मान लगता है, ना अपमान लगता है, ना सम्मान लगता है। और जिस भगवान से तुम मिलने जा रहे हो ना, हजारों वर्ष बीत गए, महात्माओं को तपस्या करते आज तक नहीं मिले। हाँ, कुछ लोगों को शेर खा गया, कुछ लोगों को भालू खा गया। ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव लेकिन मैंने सुना है कि शेर भालू के भीतर भी तो मेरा परमात्मा रहता है। अच्छा बताओ कितनी बार भोजन करती? बोली जाती नहीं, 5 बार। माँ अपनी गोदी में बैठाती है, कहानियां सुनाती है और प्रेम से भोजन कराती है। जंगल में कौन तेरी माँ बैठी है? ध्रुव जी ने कहा, गुरु जी अगर जंगल में ना माँ नहीं बैठी तो हमारी माँ के गर्भ में कौन माँ बैठी थी? वहां तो एसी भी नहीं था, कूलर भी नहीं था, पंखा भी नहीं था, बेड भी नहीं था, बिस्तरा भी नहीं था, सुख की कोई साधन भी नहीं थे। लेकिन अगर 9 महीना में जीवित रह गया तो अगर जंगल में जाकर के 9 वर्ष भी तपस्या करना पड़े तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? नारद जी ने कहा, बेटा एक बात बता, तू घर पे 5 बार भोजन करता था, तुझे जंगल में भोजन कहां से मिलेगा? तो कहा, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तब भोजन दे। जाने को देत अजान को देत, जहान को देत सो मोह को दे। मन में सोच करे हम क्यों, जे काल दिए सोई अजम दे। नारद जी ने कहा, भैया ऐसे भी जंगल में कहना और करना बहुत अलग होता है। ध्रुव जी को बात जब लग गई तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव सच बताऊं, इतनी मेरी माँ की बाणी ने मुझको व्यथित नहीं किया था, जितना आपका ये जो मुख का ये बाणी निकल रहा है, यह बाणी मुझको बाण से भी ज्यादा घाव कर रहा है। कहा क्यों? कहा सच सच बताओ, आप बहुरूपिया हो कि नारद? नारद जी बोले, भैया देखो ये दाढ़ी जटा और ये चंदन देख के तुमको हम बहुरूपिया लग रहे हैं, का अगर तुम नारद होते तो भगवान को मिला देते, क्योंकि जिसको जिसको नारद जी मिले उसको भगवान मिले, लेकिन तुम कौन से नारद हो जो हमें भगवान से दूर कर रहे हो? तब नारद जी ने गले लगाया और एक मंत्र दिया, उस मंत्र का नाम है ओम नमो भगवते, और क्या है हम कहते कहते भूल जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, कौन मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब किसी के हस्बैंड का नाम हो तो नॉन लेना, तो इतने कह देना ओम नमो भगवते उनके पापा, तो मंत्र भी हो जाएगा। और बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। फिर हमारे यहाँ तो मनुस्मृति में भी लिखा है कि आत्मा नामम गुरोर नामम नाम आदि कृपण सीता शेष कायो गृहणीयता ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। अपना नाम, गुरु का नाम, कंजूस का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो
श्रेय है हमारा जो यश कीर्ति है ये नष्ट होता है, ये मनुस्मृति में लिखा गया है। तो हस्बैंड का नाम भी तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन पति का नाम नहीं लेना चाहिए, हस्बैंड का नाम ले सकते हो। अब आप कहेंगे हस्बैंड माने तो पति, हमने कहा हस्बैंड पति नहीं होता, वो तो विदेश की है। और विदेश में कहां परंपरा है, स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए तो वहां उनको देख करके किसी ने उनके कपड़े पर कमेंट किया, बोले देखो अल्पज्ञ जा रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भैया अगर आपके यहाँ हमारा कपड़ा हमको अल्पज्ञ बना रहा है तो तुम्हें बहुत बहुत साधुवाद, लेकिन एक बात पूछूं, आपके यहाँ का जो पोशाक है ये बहुत अच्छा है। कहा कि महाराज भारत वाले अभी बहुत पीछे हैं। कहा क्यों? कहा कि पुरुष आगे आगे चलता है और महिला पीछे पीछे चलती है। हमारे यहाँ देखो कभी हाथ पकड़ के, कभी कंधा पकड़ करके, कभी कमर पकड़ करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। का भैया लेकिन हमने यह भी सुना है कि साल भर के बाद वो जो आज कंधा पकड़ के चल रहे किसी और का कंधा पकड़ के चलने लगते हैं। और हमारे यहाँ वो कहती है कि एक जन्म नहीं अगले जन्म तक, और अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, और सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़े नंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। चाहे कितनों सोखा ओझा बुला लो, चाहे कितनों जो है पूजा पाठ करवा लो, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। बोलो हमारे भारत देश की, और हमारे भारत देश में जैसे जूता चप्पल बदला जाता है, श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा वैसे आपके यहाँ नारियां बदली जाती हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो भारत पीछे रहेगा ही, बोलो भारत पीछे रहेगा ही। अब एक बात और आप सब बताइए, हस्बैंड भारत का शब्द है कि विदेश का? ओ बैंड जो बेचारा 5000 की साड़ी सुनने के बाद भी भीतर से रोवे और ऊपर से ले आएंगे ले आएंगे, क्यों चिंता करें, डोंट वरी, ये है। उस बैंड का नाम क्या है, कौन सा बैंड है? अच्छा अगर वो हस्बैंड है तो पत्नी भी कम नहीं है। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में भैया? हाँ हम तो उतना जानते नहीं, क्या बोलते हैं? वाइफ। अच्छा अगर वाइफ का डिफिनेशन किया जाए तो क्या हो? डब्ल्यू माने विदाउट, आई इंफॉर्मेशन या फाइट्स और ई ब्री टाइम। तो जो विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स ब्री टाइम, सो विदेश वाली वाइफ, बोली सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ तो पत्नी है जो अपने पति को सदैव पतन के मार्ग से बचाने का कार्य करती है, ये कौन है? पत्नी, बोली सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा और पत्नी के साथ एक शब्द जुड़ा होता है धर्म, कौन सा धर्म? पत्नी। और कभी ये नहीं सुना होगा धर्म हस्बैंड धर्म वाइफ, बोली सच्चिदानंद भगवान की, क्योंकि इन्होंने अपने धर्म तो बेच करके खा लिया है। ये काहे के धर्म पत्नी धर्म पत्नी, बोली सच्चिदानंद भगवान। धर्म पत्नी तो वो है जो हमारे भारत देश की सभ्यता संस्कृति का सम्मान करती है, वो कौन है? धर्म पत्नी है, बोली सच्चिदानंद भगवान की। जिसने धर्म के आधार को बचा रखा है वही धर्म पत्नी है। बंधु माताओं ध्यान से सुनना, ध्रुव जी आहा बड़े प्रेम से जा रहे हैं, नारद जी ने उपदेश दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा यहाँ इस मंत्र को किसी ने जपा है कि नहीं जपा है आज तक? अगर जपते नहीं है तो जपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लिखा है कि अगर व्यक्ति परमात्मा का दर्शन पाना चाहता है इस मंत्र का नित्य जाप करना शुरू कर दे, इस कलिकाल में भी परमात्मा का दर्शन उसे हो जाएगा, इसमें कोई असंभव नहीं है, बोले सच्चिदानंद भगवान। 7 करोड़ बार अगर इस मंत्र का जाप कर लिया जाए तो कलिकाल में भी भगवान मिल जाएंगे। अच्छा अब देखिए, ध्रुव जी ने जिस पावन स्थान पर तपस्या किया उस स्थान का नाम है मधुबन। कौन सा वन है? मधुबन। अच्छा अब एक बात और बताएं, एक बार एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी अयोध्या काशी मथुरा में तीनों पुरियों में सबसे श्रेष्ठ पुरी कौन सा है? हमारे यहाँ कई पुरी है, ईमानदारी से बताइए। 7 अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गया सत्यता मोक्षदायिका। 7 पुरियां हैं, लेकिन ये जो 7 पुरी है इसमें अयोध्या मथुरा काशी में कौन श्रेष्ठ है?
तो मैं अगर आप लोगों से बोलूं अति शक्ति नहीं, तो सारे पुरियों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई पुरी है तो उस पुरी का नाम है अयोध्यापुरी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो कैसे, क्योंकि अयोध्या से ही संबंध मथुरा का भी है। मथुरा किसने बसाया था? राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने मथुरा मथुरा को बसाया था। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बोलो हाँ या ना। दूसरी बात, आप देखें कि मथुरा में कौन बहती है, मथुरा में कौन सी नदी बहती है? यमुना। इस पार यमुना, उस पार इस पार गोकुल, इस पार मथुरा, और बिचवा में यमुना बहे धीरे धीरे, और श्याम तेरी बंसी। तो यमुना बहती है, और यमुना किसकी बिटिया है? बोले सूर्य की। और राम जी किस वंश में आए हैं? सूर्य वंश में। तो अब ईमानदारी से बताइए, मथुरा का भी संबंध किससे? अयोध्या से। अब आप काशी चलिए। काशी में शंकर जी दिन रात कौन सा नाम जपते हैं? नाम मंत्र सोई जप तय महेशो, राम मंत्र सोई जप तय महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदिष्टो, काशी हेतु उपदिष्टो, राम मंत्र सोई जप तय महेशो, राम मंत्र सोई जप तय महेशो। तो राम का जन्म कहाँ हुआ, ईमानदारी से बताइए? अयोध्या। तो अयोध्या और मथुरा काशी, ये तीनों का संबंध अयोध्या से ही, मथुरा और काशी का संबंध अयोध्या से ही है। और मथुरा में यमुना बहती है, अयोध्या में सरजू बहती है, लेकिन बनारस में कौन सी नदी बहती है? जोर से बोलो, कौन सी? गंगा। तो गंगा कौन है? बोले भगवान के चरण से ही तो निकली है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, आप किसी तीर्थ यात्रा में चले जाइए, लेकिन वापसी में आपको अगर सरजू जी में आप स्नान नहीं किए, अयोध्या हनुमानगढ़ी पर लड्डू नहीं चढ़ाए, तो आपका कभी यात्रा पूर्ण नहीं माना जाता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये अयोध्या की महिमा है। इसी नाते एक महिला अपने पति से कह रही थी कि हमका अवध नगरिया दर्शन करवाता, फुलवा चढ़ाता ना, हमका अवध नगरिया दर्शन तू करवाता, फुलवा चढ़ाता ना, जहाँ सरजो मैया बहती भक्तों का संकट धरती, जहाँ सरजो मैया बहती भक्तों का संकट धरती, जहाँ सरजो मैया बहती भक्तों का संकट भरती, जहाँ सरजो मैया बहती भक्तों का संकट भरती, वही सरजो जी में हो, वही सरजो जी में कोटा लगवाता, फुलवा चढ़ाता, वही सरजो जी में कोटा लगवाता, फुलवा चढ़ाता, हमका अवध नगरिया दर्शन करवाता, फुलवा चढ़ाता, अवध नगरिया दर्शन तू करवाता, हे हरि
बैठे हनुमान जी अंदर हनुमान कही अति सुंदर बैठे हनुमान जी अंदर ओ हनुमान गढ़ी अति सुंदर बैठे हनुमान जी अंदर उनके चरण में लड्डू चढ़वाया बुलवा चढ़ा अवध नगरिया दर्शन करवाया हे हरि और श्री कनक बिहारी सुंदर बैठे हैं जाके अंदर श्री कनक बिहारी सुंदर बैठे हैं जाके अंदर उनके धाम में हो उनके चौखट पे मस्तक झुकायदा फुलवा चढ़ायदा उनके अवध नगरिया दर्शन फुलवा चढ़ायदा दर्शन करवा फुलवा चढ़ा। तो सबसे बढ़िया कौन सा तीर्थ है जोर से बोलो कौन सी पुरी है अयोध्या बोलिए अयोध्या नाथ की। तो ध्रुव जी पहुंच गए मधुबन जो अयोध्या से संबंधित है। अच्छा वहां तपस्या कैसे करने पता है निष्ठा से। अच्छा आजकल आपने देखा होगा भजन करने वालों को कि 5 मिनट अगर कोई भजन कर ले और 5 मिनट के बाद भगवान को गाली दे तो भक्त कहोगे कि अभक्त है। बोलो भक्त कहोगे वो तो अभक्त है। लेकिन ध्रुव जी की निष्ठा 3 दिन बीत गया भजन करते करते और कुछ नहीं खा रहे खाली बेर खा करके तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कल से 6 दिन कुछ नहीं खाऊंगा ये क्या है निष्ठा। फिर कहा 9 दिन कुछ नहीं खाऊंगा 9वें दिन जल पी लूंगा। फिर 4वें महीने में 12 दिन कुछ नहीं खाऊंगा वायु पी करके रहूंगा इसको कहते हैं निष्ठा। और आजकल आपने देखा होगा कि भजन करने वाले शुरू शुरू में जो हम लोगों से मंत्र वंत्र लेते हैं हमने कहा कि माला जपो तो शुरू शुरू में गुरुजी आज 100 माला जपा आज 200 माला जपा आज 50 माला जपा। धीरे धीरे हम पूछते हैं भजन का बोले गुरु जी अभी को माला नहीं जप पाता। हमने कहा कि भैया अच्छा हम जाते हैं तो कोई ये वस्तु ले लीजिए वो वस्तु ले लीजिए ये उपहार ले लीजिए वो उपहार ले लीजिए। मैं बिहारी जी के सामने कह रहा हूँ मैं इसी नाते अब दीक्षा देना धीरे धीरे बंद कर रहा हूँ एकाद चेला बनाता हूँ नहीं तो चेले बनाना बंद कर दिया कि भैया वस्तु उपहार से हमारा गुजारा तो हो जाएगा लेकिन प्यारे ये हमारे जीवन का आधार नहीं है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो वस्तु हमारी है जो सारे वस्तुओं की पूर्ति करती है वो हमारे ठाकुर जी आपके सामने विराजमान है बोले सच्चिदानंद भगवान। इनसे बड़ा और कोई उपहार मेरे लिए नहीं हो सकता। और अगर कोई हमसे जुड़ रहा है तो मैं कहता हूं कि मुझको 1 रुपए की जरूरत नहीं है 2 तो अच्छा ना 2 तो और अच्छा। लेकिन मेरा निवेदन है कि कम से कम मेरे दिए हुए ठाकुर जी का ये जो नाम मंत्र है इसको जितने ज्यादा से ज्यादा जपोगे उसी में 4-5% हमको भी मिल जाएगा। हम भी तो बीमा करने वाले हैं उसी में 4-6% मिल जाता है हमको कहां ज्यादा की जरूरत नहीं है। हमारा थोड़ा सा अलग व्यापार है बोली सच्चिदानंद भगवान की। अगर हर व्यक्ति 5-5% दे तो बताओ हमारा कितना हो जाएगा। और जब चाहेंगे हम अपना चक ले जाके कहीं भी भजा लेंगे बोली सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए ये जो पैसे आदि हैं इनको ठाकुर जी की कृपा से 5 रुपया चढ़ाना है तो 15 पैसा चढ़ाओ भले नहीं चलता है क्योंकि इस पैसे की जरूरत ना तो ठाकुर जी को है क्या करेंगे बताओ उनको कहां समय है गड्डी गिरने का बोली सच्चिदानंद भगवान। और अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं तो केवल एक पुष्प चढ़ा दो क्योंकि भगवान पुष्प का सुगंध तो स्वीकार करते हैं लेकिन पैसे का सुगंध भगवान स्वीकार नहीं करते। ये तो जो चढ़ रहा है ना ये और लालच बढ़ा देता है कि अब और नेक नेक कहेंगे तो फिर कुछ आएगा
फिर कुछ आएगा और परिणाम क्या निकलेगा जब ज्यादा हो जाएगा तो अब ये जो दो चार माला दस माला जपी जा रही है ये हो जाएगा बंद 500 1000 1500 और इस पर और जब कुछ नहीं रहेगा सुदामा जी की तरह तो कम से कम 1 2 3 4 ये अच्छा है बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा इससे ये गिनने में फायदा है कि ये गिनने में हम तो कहते हैं हे ठाकुर जी अगर कृपा करनी है तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो ये गिने और इन सबका आशीर्वाद लगे हम ये गिने बोले सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि आप गृहस्थ हैं सदगृहस्थ हैं परिवार हैं क्योंकि आप ये नहीं गिनेंगे तो ये कैसे लगेगा ये लग रहा है इसका मतलब ये गिन रहे तभी तो लग रहा है हरि जी की कृपा से। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि उस गिनने के साथ साथ सुबह एकाध माला अगर यह भी गिनना शुरू कर दीजिए तो हमको लगता है कि आपका जो चढ़ावा है जो आपका आय है वह आपको अशांत नहीं करेगा। एक हमारे जयपुर के सेठ उनके बिजनेस में घाटा लगता था तो उन्होंने कहा गुरुदेव मैं इतना बिजनेस में लगाता हूं मेरा इन्वेस्ट बेकार जाता है मैं क्या करूं। हमने कहा जब शाम को कमाई हो जाए तो ठाकुर जी के सामने एक डायरी लिख दो ठाकुर जी आज इतना आय हुआ इतना व्यय हुआ। उन्होंने नियम बना लिया कि ठाकुर जी आज इतना आय हुआ इतना व्यय हुआ। आपसे बता रहा हूं एक ही महीने के अंदर इतना बढ़िया व्यापार चलने लगा बिहारी जी की कृपा से क्योंकि अब अगर घाटा होगा तो भगवान का और नफा होगा तो भगवान का। भाई अब किसी का पिता अरबपति हो तो बच्चे भूखे मरेंगे ईमानदारी से बताइए। और हम तो कहते भगवान से कुछ मत मांगिए हम दरिद्र के बेटे नहीं हैं आप सब दरिद्र के बेटे नहीं हैं आप सबका अपने पिता की प्रॉपर्टी में हक है बोलो कि मांगना पड़ेगा बोलो पिता की प्रॉपर्टी में बेटे का हक होता है कि ऐसे अगरबत्ती कपूर दिखाना पड़ता है कि पिताजी अगरबत्ती कपूर दिखाना पड़ता है आप बेटे हैं तो बाप को एक कमरा देना पड़ेगा बोलो हाँ या ना। ऐसे अगर आप सच में कह दिए ठाकुर जी हम आपके हैं तो जब वैकुंठ इतना बड़ा है वह भी आपका हो जाएगा तो काहे साधारण धन संपत्ति के लिए भगवान से मांग करते रहते हो बोले सच्चिदानंद भगवान की। निष्ठा बनाओ ध्रुव जी निष्ठा से भजन कर रहे हैं और आपको बताऊं ऐसा पांचवें महीने में श्वास चढ़ाया कि सबका श्वास बंद हो गया। महा जी के पास इंद्र आए प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले जवन गति तोरी तवन गति मोरी रामा हो रामा तुम श्वास नहीं ले पा रहे हो हमहू नहीं ले पा रहे। भगवान के पास गए भगवान ने कहा कि हमारा भक्त तपस्या करा उसको दर्शन देने जाऊंगा और जैसे भगवान दर्शन देने की इच्छा बनाए एक संत तो कहते कि दर्शन देने नहीं गए बल्कि दर्शन करने आए काहे क्योंकि देवता घबराए हुए थे। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि भैया अगर कहीं मांग लिया कि हमको ब्रह्मा बना दो भगवान कहेंगे ले जाओ। इंद्र ने सोचा कहीं कह दिया कि इंद्र बना दो कहेंगे ले जाओ तो हम लोग कहां जाएंगे तो आकर के बोले जल्दी जाके दर्शन दे दीजिए लेकिन प्रभु वो मत देना जो मांगेगा। भगवान आके सामने खड़े हो गए अब भगवान बाहर खड़े हैं और ध्रुव जी भीतर ध्यान कर रहे हैं और तब तक भगवान जैसे ही ध्रुव के पास आए मधो वनम विद्याद दीक्षागत। अब ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं भगवान ने तुरंत अपना प्रकाश फैलाया ध्रुव जी का नेत्र खुला तो सामने देख रहे हैं कि सशुंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषी रेक्षणम सहार वक्ष स्थलितोष्टुभास्यम नमा विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान ने कहा भोले भंडारी कुछ बोलोगे कि खाली मुंह देखते रहोगे। ध्रुव जी ने रो करके कहा कि सरकार किसी गूंगे से कहा जाए बोलो तो जानते क्या बोलेगा आ यही इतने तो बोलेगा और प्रभु हम गूंगे हैं और यहाँ कितने गूंगे थे बोले मीरा क्या थी गूंगी थी सूरदास क्या थे गूंगे थे नरसी गूंगे थे ये तो भगवान की कृपा हो गई ये सब क्या हो गए बाचाल हो गए मतलब गूंगे नहीं थे। लेकिन अगर देखा जाए कि जो संसार की बात बोल रहा हो उसको हम कहेंगे कि जो निरर्थक बोले वो गूंगे है बोले सच्चिदानंद भगवान की। बोलने वाला तो वो है जो सनातन की रक्षा के लिए बोलता है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए बोलता है जो गौ माता की सुरक्षा के लिए बोलता है जो परिवार को संगठित करने के लिए बोलता है जो सनातन धर्म को भाव देने के लिए बोलता है
ऐसा व्यक्ति जो बोले उसका बोलना सफल है, बाकी तो भगवान की कृपा से वो गूंगे अच्छे हैं जो कम से कम कुछ बोल नहीं पाता। अच्छा हम यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, अगर भगवान एक बार कृपा अपनी हटा लें तो हम गूंगे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसी नाते लिखा हुआ है, मूकम करोति वाचालम् अपंगुम लंघयते गिरिम और यत कृपातम हम बंदे अपरमानंद माधवम। अच्छा रामचरितमानस आप लोगों ने पढ़ा हो तो वहां लिखा होगा कि मूक होई बाचा पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवम सकल कलिमल दहन। संसार गूंगा है ये तो ठाकुर जी की कृपा है जो उनके शब्द मुख से निकल रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु बड़ी कृपा है, आपने कहा बोलिए हम क्या बोलेंगे, तब भगवान ने शंख लगाया पस अस्पर्शम बालम कृपया कपोले। अब ध्रुव जी बोलना शुरू किए, यौवंत प्रविश्य मम वाच मिमा प्रसुक्ता संजीवत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तु चरण श्रवण त्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। प्रभु मेरी वाणी सोई हुई थी, आपने मेरी वाणी को जगा दिया, आप ही ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और प्राण को जीवित करने वाले हैं। और कल्पांत एतद अखिलं जठरेण गृहणम सेते पुमान स्वगन अनंत दृष्टे। आप ही सारे संसार को अपने हृदय में धारण करके सो जाते हैं, आपकी जय हो जय हो जय हो। भगवान ने कहा कि ध्रुव वरदान मांगो क्या चाहिए, ध्रुव ने कहा पहले मांगने आया था अब मांगने की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा नहीं लेकिन अब हम बिना दिए जाएंगे नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए इतने लोग यहाँ बैठे ईमानदारी से बताइए, हम भगवान से कुछ ना मांगे ये हमारी महानता है? धन्यवाद। महानता है कि हम चाहे कुछ मांगे और चाहे ना मांगे वो हमको देते जरूर हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक बात आपसे बता दें, विभीषण ने जब सुना कि भगवान राम जी ने बाली को मार करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया तो विभीषण कहने लगा प्रभु जल्दी से अगर रावणों मर जाता तो हमको भी क्या मिल जाता, पद लंकाधिपति हम बन जाते। और सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना है, हम लंका के राजा बन जाएंगे। और जब विभीषण को रावण ने लात मारा और विभीषण राम जी के शरण में आया तो राम जी ने जानते क्या संबोधित किया, कह लंकेश सहित परिवारा अकुशल कुठार बास तुम्हारा। राम जी ने कहा कि लंकेश, हनुमान जी कान में जाकर बोले प्रभु लंकेश अभी जिंदा है, इसको काहे लंकेश बना रहे हो? कहा कि इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब इसको मैंने लंकेश कह दिया, लंकेश की उम्र कम हो गई है तो पद पर तो दूसरे को बैठाना ही। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हनुमान जी ने कहा अगर मान लीजिए लंकेश आ गया शरण में तब क्या करोगे? तो कहा भी एक पद बाकी है। कहा कौन सा? अवधेश। तो कहा प्रभु तो आप कहां जाओगे? बोले हम तो वनवास में रह करके माला लेकर भजने करेंगे। बोले सच्चिदानंद। अच्छा तो भगवान ने कहा कि विभीषण मांग लो। कहा कि सरकार अब मुझको कोई इच्छा नहीं रह गई। भगवान ने कहा जद पितात तब इच्छा नहीं अमोर दरस अमोघ जग माही। अब तुम्हारी इच्छा नहीं है अब हमारी इच्छा है, हम तुम्हें देंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और सच में भगवान ने लंकेश बना दिया कि नहीं बना दिया विभीषण को? तो दो मिनट की चर्चा, इसके बाद हमारे कुछ अतिथि जनाए हुए हैं, हम उनका स्वागत वंदन अभिनंदन इस व्यासपीठ से करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि फिर वो हमारे आए हुए विशिष्ट अतिथि मंच पे आएंगे। हमारे आदरणीय श्री संचालक जी उनको इस मंच पर बुलाएंगे। लेकिन एक बात कह करके इस कथा को मैं विश्राम करूं, फिर आगे की कथा कहने के लिए
तो इसमें बता दूं कि ध्रुव जी 36,000 वर्ष का भगवान की कृपा से राज पाए और 36,000 वर्ष का राज पाए, लेकिन उनका भाई जिसका नाम था उत्तम, उसने जाकर के यक्षों के बगीचे को उजाड़ दिया और मारा गया। ध्रुव जी ने जाकर के तमाम यक्षों को मार डाला। अब मनु जी ने आकर के समझाया, नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशान वर्तनम, साधु का काम हिंसा नहीं होता। अच्छा अब एक बात और बता दूं कि ध्रुव जी ने तपस्या तो किया था, भगवान का दर्शन तो किया था, लेकिन सत्संग नहीं किया था। तो दर्शन करने में अभिमान आएगा अगर तपस्या के साथ सत्संग नहीं है तो। तब ध्रुव जी ने जब तपस्या किया, दर्शन किया, लेकिन सत्संग नहीं किया था, तो हिंसा वाली प्रवृत्ति आ गई, तमाम निरपराध यक्षों को मार डाला। लेकिन बंधु माताओं, आज मनु जी ने समझाया कि भैया दर्शन से भी बड़ा अगर कुछ होता है तो सत्संग। तुलया मल ने वापी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मृत्याना किं पाशः। संसार में भजन से बढ़कर के कुछ नहीं होता। ध्रुव जी को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। 36,000 वर्ष की अवस्था ऐसी बीत गई जैसे महाराज रात्रि के बाद सुबह आ जाता है, ऐसे 36 वर्ष बीत गया। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, अब कोई सिंहासन चढ़ी चला कोई बंधा जंजीर। ध्रुव जी जाने लगे। एक माता जी ने कहा कि ध्रुव कहाँ जा रहे हो, मैं आपको लिवाने आई हूँ। ध्रुव जी ने कहा, माता जी लिवाने आए तो थोड़ा झुक जाओ। और जैसे वह झुकी, मृत्यु मुदिनम पद्म दत्वा आरोहाद भुतम गृहम, मृत्यु के सिर पर पांव रखा और पांव रख करके विमान में बैठ करके ध्रुव जी अपने परमात्मा के लोक को गए। और इस कथा से शिक्षा क्या मिलती है, हमारी उम्र कितनी भी कम क्यों ना हो, हम कितने भी निम्न कोटि परिवार में क्यों ना जन्म लिए हो, लेकिन अगर हमारी भावना श्रेष्ठ है तो इस कलिकाल में भी भगवान की प्राप्ति संभव है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहीं पर 5 मिनट के लिए कथा विश्राम हो रही है। अभी 8:56 हो रहा है। हमारे कुछ गणमान्य अतिथि जन आए हैं, मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय संचालक जी आवे, आपको संबोधित करके व्यासपीठ का आशीर्वाद प्रदान करावें और इसके बाद फिर कथा प्रारंभ होगी। कथा का जो समय है 10 बजे तक निहित किया गया है, 10 बजे तक कथा चलेगी। उसके बाद भगवान की झांकी आप लोगों के बीच में आएगी और प्रेम के साथ हम लोग भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे। प्रेम के साथ बोलिए, एक हमारी राधा रानी एक श्याम सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक श्याम सरकार हमारे। संचालक जी।